नमस्कार, स्मृति ईरानी बोली। ट्रैक्टर पर सोफा बिछाकर बैठने वाले राहुल गांधी किसानों का दर्द क्या समझेंगे? दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि ट्रैक्टर पर सोफा बिछाकर बैठने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी किसानों का दर्द क्या समझेंगे। गांधीनगर प्रदेश भाजपा कार्यालय कमलम में केंद्र सरकार के कृषि व एसएमपी बिल पर पत्रकारों से चर्चा के दौरान केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी व अन्य विपक्षी दलों पर करारा हमला बोला। ईरानी ने हाथरस घटना पर अफसोस जताते हुए निंदा की, साथ ही विपक्ष पर राजनीति करने का भी आरोप लगाया। स्मृति ने कहा कि केंद्र सरकार के कृषि व एसपीएमपी बिल से किसानों को उनकी उपज का पूरा मूल्य मिल सकेगा और देश में कहीं पर भी जाकर वह अपनी फसल बेच सकेगा। स्मृति ईरानी ने कहा है कि केंद्र के इन तीनों क्रांतिकारी बिलों से कांग्रेस बुरी तरह तिलमिला गई है। केंद्र सरकार किसान व व्यापारियों के बीच से बिचौलियों को हटा देना चाहती है ताकि किसानों को उनकी फसल के पूरे व उचित दाम मिल सके। कांग्रेस एजेंट बिचौलियों की समाप्ति के कारण परेशान है, वह किसानों का भला नहीं समझ सकती है। स्मृति ने कहा है कि ट्रैक्टर पर गद्देदार सोफा लगाकर बैठने वाले राहुल गांधी किसानों का दर्द नहीं समझ सकते। देश का किसान मजबूत होगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने देश की आर्थिक हालत को सुधारने के लिए आत्मनिर्भर पैकेज जारी किया, जिससे अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। गौरतलब है कि पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने रविवार को पंजाब में कहा था कि केंद्र में कांग्रेस की सरकार बनने पर नए कृषि कानून रद्द कर दिए जाएंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला, कहा कि मोदी पिछले 6 साल से झूठ बोल रहे हैं। नोटबंदी की इससे कालाधन तो खत्म नहीं हुआ, परंतु लोगों को बैंकों के बाहर खड़े होकर परेशान होना पड़ा। जीएसटी लागू करके छोटे व्यापारियों को तबाह कर दिया। प्रधानमंत्री को अंबानी जैसे पूंजीपति कठपुतली की तरह नचा रहे हैं। कुछ पूंजीपति किसानों की जमीन और फसल को हथियाना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आप भारत के रहने वाले हैं तो नीचे कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।